हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की, इससे जुड़ी हुई खबर पे जो सीबी की तरफ से आई है। उससे पहले कोर्ट की तरफ से भी सेम ऑर्डर पास किया गया था, उस पर भी हम ध्यान देंगे। इस पर रिटेल से क्या न्यूज है वो भी देखेंगे, और रिलायंस जियो की क्या न्यूज है उस पर भी हम ध्यान देंगे, और क्या शेयर के ऊपर इफेक्ट आ सकता है उस पर भी हम ध्यान देंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर, कहां पर इसकी ट्रेंड लाइन बता रही है कि ये सपोर्ट ले सकता है, और कितना इसके अंदर टारगेट बनता है, और कितना भी डाउन साइड इसके अंदर बनता है। तो क्या इसके अंदर अभी पोजीशन बना सकते हैं, या थोड़ा डिप के ऊपर पोजीशन बनानी चाहिए, क्या इसके अंदर वैल्यू अभी नज़र आती है, और क्या टारगेट्स हमारे हो सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशो हम देखेंगे, और रिस्क रिवार्ड रेशो देखने के बाद अपनी पोजीशन लेंगे। तो ट्रेडर्स को कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इन्वेस्टर्स को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, वो अभी हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। उससे पहले हम न्यूज को देख लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। 1 जनवरी 3:30 बजे जो क्लोजिंग इसकी आई है, 1988 रुपये की आई है, ऑलमोस्ट फ्लैट ये बंद होता दिखाई दिया है। प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 1985 रुपये के आसपास का है, ओपन होता है 1988 पर, और हाई बनाता है 1997 का, लो बनाता है 1982। तो एक रेंज के अंदर ये काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। आप देखिए बिल्कुल एक 5 दिन से आप देखिए बिल्कुल एक रेंज में ही कारोबार हुआ है इसका, और अगर एक महीने का भी देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ही चलता हुआ आपको नजर आएगा। 2026 और यहाँ देखेंगे 1936, लगभग एक रेंज के अंदर ये बंधा हुआ है अभी। तो देखते हैं चार्ट के ऊपर कि वो रेंज क्या है, नीचे की साइड में क्या है, ऊपर की साइड में क्या है, क्या ब्रेकआउट ये दे सकता है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक न्यूज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। अब देखिए रिलायंस पेट्रोलियम केस, सेबी फाइंस रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी एंड 2 अदर एंटिटी। तो ये क्या है, 1 जनवरी की ये न्यूज़ है, रात की न्यूज़ है, 8:31 के आसपास की न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन फ्राइडे इम्पोज पेनल्टीज ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी एज वेल एज 2 अदर एंटिटी फॉर इलिक्ट मैनुपलेटिव ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ अर्सवेल्थ रिलायंस पेट्रोलियम RPL बैक इन नवंबर 2007। फाइन ऑफ 25 करोड़ लगाया गया है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, 15 करोड़ रुपया लगाया गया फाइन मुकेश अंबानी, और उसके बाद लगाया गया 2 अदर एंटिटीज नवी मुंबई SEZ लिमिटेड के ऊपर 20 करोड़ का, और मुंबई SEZ के ऊपर लगाया गया 10 करोड़ के आसपास का फाइन लगाया गया। केस है RPL में सेल परचेज करने की, उसके कैश में और फ्यूचर जो सेगमेंट था उसके अंदर सेल परचेज किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा नवंबर 2007 में, और दिस फॉलोड RLS डिसीजन इन मार्च 2007 टू सेल 4.1% स्टेक इन RPL ए लिस्टेड सब्सिडरी डेट वाज लेटर मर्ज्ड विद RIA इन 2009। तो एक 95 पेजेस का ये पूरा ऑर्डर पास किया गया है, जिसके अंदर ये सब कुछ डिफाइन किया गया है, कैसे इन्होंने जो इन्वेस्टर्स है उसके कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया है। इरोड्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द मार्केट व्हेन इन्वेस्टर्स फाइंड देमसेल्फ एज द रिसीविंग एंड ऑफ मार्केट मैनिपुलेटर्स। तो इसके अंदर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस हिसाब से ये सारा पूरा केस है, 95 पेजेस का ये पूरा डिसीजन है कि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग करके इरोड किया गया है, जो कॉन्फिडेंस से भी बनाना चाहती है तो कहीं ना कहीं ये इरोड किया गया है। और सेकेंडली ये फाइंस लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर है, मुकेश अंबानी के ऊपर है, 2 अदर एंटिटीज हैं, नवी मुंबई SEZ और मुंबई SEZ के ऊपर। इसके बाद सिमिलर केस आप देखेंगे, ये केस थोड़ा सा पुराना जरूर है, ये दिसंबर का ही केस है, 18 दिसंबर का। अब सिमिलर केस देखेंगे RPL में ही, डिपॉजिट ₹250 करोड़ एज पर SAT ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट टू RIL। आप इसके अंदर भी देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आस्क्ड RIL टू डिपॉजिट 250 करोड़ विच इज 50% ऑफ द डिस्कवर्ड अमाउंट ऑफ 447.27 करोड़ एज ऑर्डर बाय द सिक्योरिटीज ट्रिब्यूनल इन केस related to the sale of RPL shares by RIL by in November 2007। तो सिमिलर केस आप देख सकते हैं 447 करोड़ का था, जिसका 50% के आसपास इनको डिपॉजिट करना है विद इंटरेस्ट एंड अदर फाइन्स 250 करोड़ बोला गया है। केस क्या है, सिमिलर केस है RPL का, जिसके अंदर नवंबर 2007 का केस है। आप देख सकते हैं ये सिमिलर केस इसके अंदर जो दिखाया गया है, ये सिमिलर केस है RPL का, जिसके अंदर 250 करोड़ रुपया RIL को जमा करने के लिए बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये न्यूज़ है 18 दिसंबर की। तो अब सेबी ने भी एक पेनल्टी लगाते हुए, इसे सीरियस लेते हुए ये सिमिलर केस पास किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिलायंस रिटेल की।
आप देख सकते हैं 2 जनवरी की ये न्यूज है, 5:59 की। आप देख सकते हैं बैटल बिटवीन अमेजोन एंड आरआईएल सेट टू इंटेंसिफाई फर्दर। आप देख सकते हैं जो रिटेल मार्केट है उसके ऊपर दोनों ही कब्जा करना चाहते हैं, जो इंडिया की रिटेल मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, जो आगे का स्कोप दिखाई देता है रिटेल मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में। तो अमेजोन एक दिग्गज है और आरएलआई भी दिग्गज है और दोनों के बीच में काफ़ी अब मार्केट शेयर को ग्रेब करने के लिए जो फाइट हो रही है वो बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई होने वाली है। और ये फ्यूचर ग्रुप को लेके बिल्कुल दोनों के बीच में ये जो लीगल बैटल चल रहा है बिल्कुल उससे काफ़ी मार्केट ग्रेब, जिसके पास भी जाता है एक मार्केट ग्रेब करेगा। चलता हुआ बिजनेस है, काफी स्टोर्स हैं उनके पास। तो आप देख सकते हैं इन द फाइट बिटवीन अमेजोन एंड रिलायंस इंडस्ट्री फॉर डोमिनेंस ऑफ ओवर इंडियाज ऑनलाइन मार्केट द टू कंपनीज कंटिन्यू टू ऑलमोस्ट मिरर ईच अदर इन ग्राउंड अप। अब देख सकते हैं दोनों कंपनियों में काफी फाइट हो रही है और ये काफी इंटेंसीफाई आगे भी हो सकती है। इसके बाद हम रिलायंस जियो की बात करते हैं। ऑल कॉल्स फ्रॉम जियो टू अदर नेटवर्क्स टू बी फ्री फ्रॉम टुडे। ये 1 जनवरी की न्यूज है। जितने भी वॉइस कॉल्स हैं फ्रॉम रिलायंस जियो नेटवर्क टू अदर नेटवर्क अक्रॉस इंडिया विल बी फ्री स्टार्टिंग January 1st। बिलियनियर मुकेश अंबानी लेट रिलायंस जियो इन्फोकॉम सेट इन ए प्रेस रिलीज। 1 जनवरी से जो भी कॉल्स हैं रिलायंस जियो के नेटवर्क से अदर नेटवर्क के ऊपर वो सब वॉइस कॉल्स जो हैं फ्री कर दी गई हैं। रिलायंस जियो मूव कम एज ए इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेज IUC फॉर ऑल डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स विल एंड फ्रॉम January 1st and keep premium bill be implemented। तो ये इन्होंने वॉइस कॉल्स अपने जियो नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर जो भी हैं वॉइस कॉल्स 1 जनवरी से फ्री कर दी हैं। इसका आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देखते हैं, आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट पता चलेगा। अब देखते हैं रिलायंस जियो राइट्स टू पंजाब CM DGP ओवर वैंडलिज्म एट नेटवर्क साइट्स। आप देख सकते हैं जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है नॉर्थ इंडिया में और पंजाब में काफ़ी इंटेंसिफाई है, तो उसके ऊपर लेटर लिखा गया है। जो इनके टावर्स की पावर सप्लाई को बंद किया जा रहा है, पावर्स को डैमेज किया जा रहा है, इनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, तो उसके लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने, आप देख सकते हैं रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब CM को भी लेटर लिखा है और DGP को भी लिखा है। पंजाब DGP को लेटर्स लिखा गया है, जो इंसिडेंट्स वहां पर हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो एसेंशियल सर्विस है पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, तो वो उनको जो स्टाफ है रिलायंस के काम नहीं करने दिया जा रहा है। लिखा गया है विद ड्यू रिस्पेक्ट वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डैट यूर एस्टीम्ड स्टेट पंजाब द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल सर्विसेज ऑफ Reliance Jio are being stabbed and vandalized for the past few weeks by violence and our employees are not being allowed to work to provide the uninterrupted telecom services which is essential service for the people of Punjab। तो ये प्रोटेस्ट जो है काफ़ी इंटेंसीफाई है और ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी जो नंबर हैं रिलायंस के बंद हुए हैं और वो शिफ्ट हुए हैं सारे के सारे भारती पे या वोडाफोन के ऊपर, तो पोर्ट भी करवाया गया है, नंबर कैंसिल भी हुए हैं। तो आने वाले जो डाटा होगा नवंबर का दिसंबर का उसमें देखना होगा कि कितने रिलायंस के सब्सक्राइबर्स हैं वो कम हुए हैं और भारती के कितने ज़्यादा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में किसानों का जो प्रोटेस्ट है उसका काफ़ी इम्पैक्ट रिलायंस जियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जो नंबर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उसके ऊपर देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं रिलायंस BP कस्टोडियन इनवाइट्स बिडर फॉर गैस फ्रॉम KG D6 बेसिन। आप देख सकते हैं गैस जो एक ब्लॉक निकला था अभी कुछ टाइम पहले, काफ़ी डीप जो बताया गया था, उसमें अब ये बिड्स मंगा रहे हैं गैस को बेचने के लिए, तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है और फरवरी से बताया जा रहा है कि उसे बेचना ये स्टार्ट कर देंगे। दे एक्सपेक्ट टू सेल द गैस फ्रॉम फरवरी। अब देख सकते हैं उसके लिए बिड्स को मंगाया, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है गैस प्रोक्योरमेंट के लिए और गैस को आगे सेल करने के लिए। आप देख सकते हैं बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड है रिलायंस BP टू ऑफर ऑनलाइन फ्यूल डिलीवरी सर्विसेज नेक्स्ट ईयर। रिलायंस BP टू ऑफर ऑनलाइन फ्यूल डिलीवरी सर्विसेज नेक्स्ट ईयर। तो ये न्यूज़ है 31 दिसंबर की और ये काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है कि इन्होंने 100 जो है RAL है प्रोक्योर्ड अराउंड 100 मोबाइल डिलीवरी ट्रक्स फॉर दी ऑपरेशन सेट, और ये काफ़ी बड़े लेवल्स के ऊपर ये करने जा रहे हैं। और ये आप देखिए रिलायंस BP also plan to extend retail outlets from
जो 1400 इनके रिटेल आउटलेट्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं, उनको ये 5500 तक लेके जाएंगे, 1400 से 5500 तक लेके जाएंगे, और 100 मोबाइल डिलीवरी ट्रक्स इन्होंने परचेज किए हैं, और जिसके थ्रू ये सारा का सारा डिलीवरी डोर टू डोर स्टेप होगी। तो ये अच्छी न्यूज है, मिक्स है, बीच में कुछ आपको लगेगा, बट जो शेयर प्राइस है उसके अंदर ये सारा कुछ ऑलरेडी प्राइस्ड इन लगता है, तो शेयर प्राइस एक लेवल के ऊपर ही काम कर रहा है। अब देखिए जो शेयर प्राइस है 1987 के आसपास जो बंद हुआ है, एक रेंज के ऊपर ही काफी दिनों से काम कर रहा है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे, यहाँ पर मैं डाटा शो करता हूँ आपको, यहाँ से आप देखेंगे 2 नवंबर के आसपास से पिछले मतलब कि पूरा नवंबर इसने इस लेवल पे निकाला है, दिसंबर भी इस लेवल पे निकाला, तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, एक अच्छा बेस इसने बनाया है। अगर हम ट्रेंड लाइंस को इसके ऊपर लगाते हैं कि बेस इसने कहाँ बनाया और कहाँ इसका रेजिस्टेंस बनता है, तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। आप देखिए इसको हम अगर यहाँ से कनेक्ट करते हैं, अब देखिए इसके ऊपर ये जो शेयर है बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर भी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और इसके बाद अच्छा मूव इसने दिया था, यहाँ पर अगेन इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है इसने, अगेन ऊपर गया है, इस लेवल पे अगेन सपोर्ट लिया है, तो एक सपोर्ट जोन के आसपास ये बिल्कुल बना हुआ है, एक नैरो रेंज के अंदर अब ये स्टॉक जो है काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको जो दिखाई देगा, इसको थोड़ा और हम क्लोज कर लेते हैं, अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो ये फेस कर रहा है, इसे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, अब रेजिस्टेंस जो है इस लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर ये जाता है अगेन नीचे आता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन के पास इमीडिएटली जो है रेजिस्टेंस लाइन के पास काम कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से ये बिल्कुल यहाँ पर जो है रिजेक्ट होता है, जो कि लेवल बनता है 2090 के आसपास का, 2090 का लेवल, और अगेन ये जो है 2300 के आसपास और 2350 के आसपास आपको जाता हुआ नजर आएगा। अभी एक नैरो रेंज के अंदर ये काम कर रहा है, डाउन साइड स्टैंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, अपसाइड इसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता है, और एक नैरो रेंज इसकी हो रही है, जैसे ही ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देगा तो आपको 2370-2380 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई देगा। 2350 का पहला टारगेट है हमारा, और अगर जो रेजिस्टेंस है आप इस लाइन को देखेंगे, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जरूर फेस कर सकता है जो कि 2070 का है, और उसके बाद ये आपको 2370 के आसपास भी जाता हुआ नजर आएगा। सुपर ट्रेंड पे भी हम देखते हैं सुपर ट्रेंड हमें किस टाइप से इंडिकेट कर रहा है। अगर सेम सुपर ट्रेंड को अगर हम लगाएं तो आप देखेंगे 2070 जो मैं आपको लेवल बता रहा था, 2070 से 2080 के बीच का जो लेवल है, अगर ये इसे क्रॉस कर लेता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये इसे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। आप देखिए सुपर ट्रेंड किस टाइम से काम करता है, सुपर ट्रेंड ने हमें 7 अप्रैल को 1100 के रेट के ऊपर इंडिकेट किया था कि इसके अंदर बाय की जा सकती है, और उसके बाद बिल्कुल इसके अंदर अच्छे लेवल्स इसने दिखाए हैं, और यहाँ पर हमें निकाला है इसने 2152 के आसपास, इसने हमें बाहर निकाला है 2100 के आसपास, तो अच्छा सुपर ट्रेंड काम करता है। इस टाइम ये जो फेस कर रहा है 2070 का लेवल एक फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, ये एक बाइंग जोन है जो कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेट में ही जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं लॉन्ग टर्म की वो छुपी होती हैं, तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको लेवल मिले 1900 के आसपास, 1890-1900 के आसपास, मार्केट जो निफ्टी है 52 वीक हाई पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और कोई भी उसके अंदर करेक्शन होती है तो रिलायंस इंडस्ट्री में भी हो सकता है कुछ करेक्शन हो, कुछ न्यूज के ऊपर करेक्शन हो, इसकी अपनी सेक्टर से रिलेटेड कुछ करेक्शन हो, कहीं पर भी आपको करेक्शन में मिलता है, बाय ऑन डिप की एक पॉलिसी होनी चाहिए, और इस अपने आप में पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर आप एक रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर को भी खरीद लेते हो तो आपको उसके अंदर पेट्रोलियम एनर्जी के भी शेयर्स मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको रिलायंस रिटेल भी मिल जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन भी मिल जाएगा, टेक्सटाइल भी मिल जाएगा, मीडिया भी मिल जाएगा, सब इसके अंदर आपको मिलेगा, एक पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आने वाले टाइम में हो सकता है रिलायंस जियो अलग से आपको IPO लाता हो दिखे, रिलायंस रिटेल अलग से IPO लाता हो दिखे, और वैल्यू अनलॉक होती हुई आपको दिखे, तो डाउन साइड इसके अंदर अभी शॉर्ट टर्म में पेन जरूर है, डाउन साइड आपको जरूर दिखेगी और आपको वो अकोमोलेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट इसके अंदर अपसाइड जो है अभी भी यहाँ से बहुत अच्छे लेवल से आपको दिखा सकता है, इवन ये 2800-2900 तक भी जा सकता है। जो शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल है, एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक बेस बना रहा है, वो सॉलिड बेस बन रहा है, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं बाय ऑन डिप इसके अंदर कर सकते हैं। एक बार RSI को भी हम देख लेते हैं, RSI किस टाइप से काम कर रही है इसके अंदर,
RSI को देखेंगे तो 50 के आसपास है, ना ओवरबॉट जोन में है ना ओवरसोल्ड जोन में है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। MACD को भी हम देख लेते हैं, तो MACD ये कंसोलिडेशन की ओर आपको इंडिकेट कर रहा है और बिल्कुल ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक अच्छा बेस बना रहा है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। पीवट को भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि पीवट किस टाइप से काम कर रहा है। अब देखिए एक पीवट लेवल के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है टोटली। पीवट जो हमें दिखाई दे रहा है 1955 रुपए के आसपास का, 1960 रुपए के आसपास का पीवट दिखाई दे रहा है और ये इस लेवल के आसपास ही सराउंडिंग घूम रहा है। और इसका रेजिस्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू पीवट 2065 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता है, पहला रेजिस्टेंस 2065 का बनता है। जैसे मैंने आपको बताया दूसरे इंडिकेटर ने हमें 2070 का एक जोन दिया था, इसने 2065 का दिया है। 2065-2070 इसे क्रॉस करना इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये इसके बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जैसी फेज खत्म होता है तो अच्छे मूव्स आपको आने वाले टाइम में भी दिखाएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं इसके बारे में, अपनी पोजीशंस बना सकते हैं इसके बारे में। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डाइवर्सिफाइड है और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। डाउनसाइड लिमिटेड है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।